एवरीबडी, और अभी बज रहे हैं 11:30। मैं आधा प्रिपरेशन करके आई हूँ लंच का, स्नैक्स कह रही हूँ, ब्रेकफास्ट हो गया है और सफल तो गए ऑफिस, अनका गई है स्कूल, लेकिन आज उसका स्कूल था 11:30 का, क्योंकि यहाँ पर है मैच, तो मैच की वजह से आई गेस वो आ गई। अभी मैं जा रही हूँ चिकू की मालिश करने के लिए। यस, शी हैज़ अराइव्ड। चिकू की मालिश करने जा रही हूँ क्योंकि आंटी छुट्टी पर हैं और आंटी की बहू की होने वाली है डिलीवरी। हाँ हाँ, लगेगा भी नहीं, दो हो गया था उसके बाद ही आई। मैं बोलती रहती थी इनको कि दूसरा वैक्सीन लगवा लेती हूँ, फिर देखेंगे और देखेंगे क्या आई गई है लगवाने के। बस ये नवरात्रि हुई, अब करवा चौथ तक ही आ गई हैं, आ गई। होता है ऐसे, जरा साफ सफाई में लगो ना तो बहुत। अभी वो दिन ना, यहाँ जितने सब कपड़े थे ना बाहर, इधर पड़े हुए थे इतने दिन से, वो सब रख के जमाई, दोनों अलमारी साफ करी, झाड़ फूक करी, मेरे को इतनी हालत खराब हुई। अगले दिन आंटी से बोली कि अच्छे से तेल लगाना, बहुत दुख रहा है मेरे बॉडी में। चीकू की दीदी आ गई। आज तो बाल नहीं खुला आपका? आओ तो आज हमारे किचन में बन रहा है लौकी का कोफ्ता, उसके साथ बनाऊंगी राइस और रोटी। तो गाइस, कोकोनट वाटर है जो मैं पी रही हूँ, और कितना क्रिस्टल क्लियर दिखता है यार ये पानी। सो कोकोनट वाटर मैं प्रेगनेंसी में भी पीती थी, डेली पीती थी, इतना कभी एक कप होता था, मग होता था, कभी दो मग होता था, तो डेली पीती थी। और मैंने फिफ्थ मंथ से स्टार्ट कर दिया था कोकोनट वाटर पीना, और अभी वापस से स्टार्ट किया है, अभी 3 मंथ्स होने वाले तो अब स्टार्ट कर दिया है पीना, क्योंकि अभी बारिश का मौसम था बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल लाइक मन नहीं होता था। ओके, सो अनिका को खाना खिला के आई हूँ और सफल गए लंच करके गए, और मैंने भी लंच कर लिया है। सो अभी बस मैं नारियल पानी पी रही हूँ और चिल कर रही हूँ यहाँ पर, अपने स्विंग चेयर पर स्विंग कर रही हूँ। यहाँ से अभी की क्रिप जा चुकी है, बेबी की उस रूम में जा चुकी है क्रिप, तो अब ये रूम लाइक सिर्फ यहाँ बैठ के काम करना है, और बस ऐसे ही इतना ही रह गया है। और ये चेयर रखने की वहाँ पे जगह नहीं है, ये जो मेरा चेयर है इसे रखने की वहाँ पे जगह नहीं है, तो ये यहीं रहेगा। एनीवेज, तो आई वाज टॉकिंग अबाउट अनिका, बच्चे लाइक टॉडलर्स, इन्फेंट्स और किड्स जो होते हैं हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, उन्हें खाना खिलाना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता, बहुत टफ टास्क होता है। और क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, हमें वो खाना है, हमें बिल्कुल ज़िद्दी हो जाते हैं, कुछ खाने के लिए रेडी होते हैं, स्पेशली हेल्दी खाना, बिल्कुल कुछ भी खाने को रेडी नहीं होते हैं वो।
तो मम्मियों को ना बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। बट मैं क्या करती हूँ, मतलब मुझे टच वुड वुड किधर है यार, एनीवेज नजर तो नहीं लगेगी पता नहीं। तो मैं क्या करती हूँ अनिका को खाना खिलाने के लिए, जब वो छोटी थी तो मैं उसको सब कुछ खिलाती थी और वो सब कुछ खाती भी थी, और मैंने बहुत सारे वीडियो भी शेयर किए हुए हैं जब अनिका बहुत छोटी थी, उस टाइम के भी यूट्यूब पे वीडियोज हैं, आप देख सकते हो अगर आपको दिखना है तो। वह सब कुछ खाती थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती जा रही है ना, मम्मी ये नहीं खाना है, मम्मी वो नहीं खाना, मम्मी ये क्या है, इसमें से ये निकालो वो निकालो, और क्या क्या किस चीज़ की सब्जी बनाई है, नहीं नहीं मुझे नहीं अच्छी लगती, मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन अच्छी नहीं लगती है इनको, या कुछ दिन पहले तक खा रही थी पर अब नहीं अच्छी लगती वो। तो मैं क्या करती हूँ, बड़ी परेशान हो गई थी मैं यार, अब कैसे क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, अब मैं क्या करती हूँ कुछ भी बनाती हूँ। अनिका आगे पूछती है, मम्मी क्या बना है लंच में, क्या बना रहे हो, कौन सी सब्जी है, दाल कौन सी है। तो मैं नाम नहीं बताती सब्जी का कि क्या बना रही हूँ, और दाल तड़का वाली है या फिर प्लेन है। मैं उसको बोलती हूँ, बस आपका फेवरेट बन रहा है। अच्छा मेरा फेवरेट क्या बन रहा है, फिर नाम बताऊंगी, ये बन रहा है दिखाऊंगी, स्मेल अच्छी आ रही होती है तो ये मेरा फेवरेट है। हाँ आपको पता है आप ये खाते थे, या तो छोटे से थे ना तो बहुत सारा खाते थे, और इस तरीके से मतलब डिफरेंट तरीके से मैं उसको बोलती हूँ ना कि यार आप तो फेवरेट है, इसकी ग्रेवी आपको बहुत पसंद थी, ये वाली वेजिटेबल आपको बहुत पसंद थी, पता है अभी कुछ दिन तक तो आप खा रहे थे और पूरी वेजिटेबल ही खा जाते थे, ऐसे ऐसे करके मैं उसको और बोलती हूँ। तो अब उसने लाइक खाना शुरू कर दिया है और वो खा लेती है, उसको ऐसा बोलती है अच्छा मेरा फेवरेट है, वाह मम्मी मेरा फेवरेट बना है। कभी कभी लगता है कि चीटिंग करती हूँ मैं उसके साथ में, और ऐसे कैसे करके आपका फेवरेट मैं उसे सब कुछ खिला देती हूँ। पहले वो गोभी नहीं खाती थी, और ग्रीन वेजिटेबल तो खा लेती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जस्ट लाइक जैसे पीछे से कोई और वेजिटेबल है वो नहीं खाती थी, लेकिन मैंने फेवरेट फेवरेट बोल करके उसे सब कुछ खिलाना शुरू कर दिया और अब वो खाती है। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करो, मतलब लाइक एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को, अरे पता है आपका फेवरेट बनाया है मैंने, आओ दिखाती हूँ, और एकदम अच्छे तरीके से उसको सर्व करो कि बच्चे को देख के मजा आए कि वाह क्या है, और वो खा ले। तो शायद ये ट्रिक आपके साथ भी काम करेगी, बताना अगर काम करती है ना तो। पहले से आप ऊपर गए थे क्या? ऊपर से नीचे गिरी तो मुझे डर लग गया कि मैं गिरी नहीं, फिर नहीं गिरी, फिर अरे से नीचे गिरी। देखो हंसी खुशी तो अभी मम्मा गिरी, को देख देख के हंसती है। तुम्हारी दीदी मम्मा से इस बात है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान ही नहीं दे रही अपनी पढ़ाई पे। अपनी पढ़ाई पे ध्यान तो, चलो चलो ध्यान दो, वो जब मम्मा आ से गई है। ये कर रही है मैं उसको कितना चलो शर्म चलो चलो चलो, वो देखो वो क्या है, देखो वो क्या है, उधर देखो, वो उधर देखो, उधर उधर बच्चे, उधर उधर देखो बच्चे, उधर देखो उधर वो देखो, यस अच्छा। लो। न्यू मॉमीज न्यू बॉर्न बेबी को मोशन नहीं आना बहुत ही नॉर्मल सी बात होती है, ऐसा होता है, बट स्टिल अगर आपके बेबी को मोशन नहीं आया है, पेट में दर्द हो रहा है, तो कोई भी ऑयल आपको उसके टमी पे अप्लाई करना है। मैंने ये ऑयल अप्लाई किया है और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको अप्लाई करते जाना है, बेली बटन पर भी लगाना है और हल्का सा प्रेस करते हुए कुछ इस तरह से टमी को मसाज करना है, टमी पे मसाज देना है, बेबी को आराम मिल जाएगा और बेबी को बहुत रिलैक्स फील होगा, गैस वगैरह भी पास हो जाएगी। हमको गिले तुमसे जाने क्यों, मिलो के है फासले तुमसे न जाने Tell me, what is your nickname? Kushi? Kushi? Kushi?
अभी हम चीकू को ये पहनाने वाले हैं। आज चीकू हो गई है 3 months की पूरी। आज है 24th of September। तो व्लॉग बहुत देर हो गया, एक्चुअली ये वीडियो जाना था इसी वीक में, लेकिन इतने सारे प्रीवियस व्लॉग्स हैं जो बाकी हैं। चीकू ये है, ओहो चीकू का बैंड। सो चीकू ये है, हाय से हाय टू ऑल। यस ओके गाइस, सो आज बहुत स्पेशल डे क्योंकि आज चीकू हो गई है 3 months की पूरी। और एक और बहुत स्पेशल डे क्योंकि आज हम सेलिब्रेट करने वाले हैं 50K सब्सक्राइबर्स ऑन हैप्पी मम्मी व्लॉग्स। वैसे तो 50K काफी पहले हो गए थे, अभी 54K हो चुके हैं। और इसी तरह से आप लोग जुड़ते रहो हमारे चैनल से और शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, सबको बोलो हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, ब्लॉग्स और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हर चीज के बारे में, सिर्फ प्रेगनेंसी मैटरनिटी पेरेंटिंग ही नहीं, हर चीज के बारे में ऑलमोस्ट चीजें कवर अप होती रहती है यहाँ पर। अभी प्रेगनेंसी सीरीज चल रही है, मैटरनिटी सीरीज चल रही है, एंड न्यूबॉर्न बेबी ब्लॉग्स की सीरीज चल रही है। ये भी आपको हेल्प करेगी, सभी को हेल्प करेगी क्योंकि ब्लॉग्स तो इंटरेस्टिंग होते ही होते हैं। तो अब हम जाएंगे सेलिब्रेट करेंगे शाम को। अभी ये रेडी है मैडम हमारी, मैं रेडी हो जाऊंगी और अनिका रेडी हो जाएगी, सफल आ जाएंगे तो सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि क्या क्या किया। अभी चीकू का कुछ फोटोशूट करना है घर पे, वो करती हूँ और उसके बाद सारे अपडेट रिकॉर्ड करूंगी, शेयर करती रहूंगी आपके साथ। अभी हम लोग चीकू का फोटोशूट कर रहे हैं, ये वाला, ये शीट मैंने अमेजोन से ली है जो बैकग्राउंड में बिछा के रखी है फोटोशूट के लिए। तो इसका लिंक भी शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड, ओ वाओ, ये देखो चीकू, ये देखो तुम्हारे लिए दीदी ने कार्ड बनाया है। आप दोनों के लिए, बोथ ऑफ यू, एंड दिस इज माय नेम। वाओ ब्यूटीफुल, प्रीटी, एंड टू हार्ट, and two heart, yes two heart, thank you baby, this is lovely, this is super adorable, I just love it, you have to carry it, yes of course I will keep it with me forever forever, hai na chiku, yes forever, yes. कहाँ जा रहे हैं हम? चीकू का 3 months वाला बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। थोड़ा सेलिब्रेशन आज होगा, थोड़ा कल होगा, आज क्या होगा बताऊंगी और कल क्या होगा ये भी बताऊंगी। लेंस कार्ड, मेरे को भी चश्मा बदलना है अभी। चलो God, yeah.
खाना पोखो। Happy birthday, dear Chiku! Yay! Yay!